शाहरुख खान की पठान को रिलीज होने में अभी भी 3 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है और मूवी की एडवांस बुकिंग के लिए अभी से मारामारी चालू हो चुकी है। इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग अभी चालू नहीं हुई, पर इंडिया से बाहर बहुत से ऐसे देश हैं जहां इसकी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। दरअसल मूवी 25 जनवरी को रिलीज होगी और जर्मनी में इसकी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। जर्मनी में पठान की 25 से लेकर 30 तारीख तक की 90% टिकट एडवांस में बुक हो चुकी है और बाकी के लोग वहां अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जर्मनी में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पठान के टिकट्स को ब्लैक में बेचा भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएस और चाइना में इसकी 60% एडवांस बुकिंग अभी से हो चुकी है। इंडिया के बाहर मूवी को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, पर इंडिया में मूवी को लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले पठान मूवी के कुछ सॉन्ग्स को यूट्यूब के ऊपर रिलीज किया गया था, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक भगवा रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसको देखने के के लोगों ने मूवी को बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी। लोगों ने ये तक बोल दिया कि उन सॉन्ग्स में अश्लीलता भरी हुई है, जिसके बाद मेकर्स ने कोई रिस्क ना लेते हुए उन सीन्स को मूवी से ही डिलीट कर दिया। देखिए, मैंने इससे पहले भी पठान मूवी के ऊपर एक शॉर्ट्स बनाई थी, जिसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स में गालियां लिखना शुरू कर दिया था। देखिए, किसी के बोल देने से या किसी के गालियां दे देने से या मेरे मूवी के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वीडियो बना देने से मूवी के बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी के कुछ बोल देने से या कुछ करने से क्या ही फर्क पड़ेगा जब मूवी ऑलरेडी अपने रिलीज होने से पहले 100 करोड़ का मार्क पार कर चुकी है। अगले हफ्ते से इंडिया में भी इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, तब सबको पता चल ही जाएगा कि कौन मूवी देखने जा रहा है और कौन नहीं। इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग पे क्या होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाए। तब तक के लिए स्टे स्ट्रीमिंग।